नमस्कार प्यारे साथियों, कल की क्लास में हमने देखे थे अग्निशामक यंत्रों के बारे में। आज हम जो देखेंगे, यूनिट वन हमारा कंप्लीट हो गया था कल की क्लास में। आज जो है वो है हमारा यूनिट टू। यूनिट टू में आपका जो है फर्स्ट ईयर में जो आपसे पूछा जाएगा वो आपका किससे संबंधित है, वो है आपका यूनिट टू में जो है वो आपका है टूल से संबंधित। किससे संबंधित है? टूल से संबंधित। अब टूल्स क्या होता है, आप में से कोई व्यक्ति पूछोगे कि सर कैसा क्या होता है। टूल्स का सिस्टम ये होता है, जब किसी कंपनी में आप हो और वहाँ पर आप क्या कर रहे हो, वर्किंग कर रहे हो। अब वर्किंग की स्थिति क्या होना चाहिए, जैसे मान लो आपको किसी नट को खोलना है। अब नट को खोलने के लिए काफ़ी कुछ होता है, तेरा होल पानी से भी खोल सकते हो आप, पेंचिस से भी खोल सकते हो या किसी अन्य प्रकार से जुगाड़ लगा के भी खोल सकते हो। लेकिन हमको डिसीजन कैसे लेके किस चीज़ से खोलेगा, मतलब कुल मिला के बात यह है कि जुगाड़ से काम नहीं चलाना। जिस चीज़ की ज़रूरत जहाँ पर होगी हम उस चीज़ का, उपकरण का या उस औजार का या उस टूल्स का वहीं पर यूज करेंगे। तो उसी से संबंधित आपका जो है वो टूल्सों के बारे में जानकारी देना है। बेसिकली टूल्स बहुत प्रकार के होते हैं, परंतु मैं आपको वो टूल्सों के नाम बता रहा हूँ जो आपको एग्जाम में आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन, एवं आपके जो यूजफुल रहते हैं या जिनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज होता है उनके बारे में बताऊँगा। सबसे पहला टूल्स आपका जो है वो है आपका कौन सा, फेज टेस्टर। पहला कौन सा है आपका, फेज टेस्टर। फेज टेस्टर इसमें हम जो देखेंगे वो विशेषताएं देखेंगे। क्या देखेंगे? विशेषताएं। विशेषताएं मतलब जिस चीज का हम यूज कर रहे हैं वो चीज हमारी किस तरीके से है। जैसे मतलब फेज टेस्टर है क्या? फेज टेस्टर यह विद्युत का एक महत्वपूर्ण औजार होता है। क्या होता है? एक महत्वपूर्ण औजार होता है। इससे विद्युत कार का या विद्युत का जो है वो विद्युत पर जो वर्क करता है उसका मित्र भी कहा जाता है। किसको? फेज टेस्टर को। फेज टेस्टर में दूसरी चीज ये और होती है कि फेज टेस्टर में जो क्वेश्चन में जब हमसे पूछा जाता है कि फेज टेस्टर होता क्या है या किस प्रकार से होता है, तो आप में से काफी लोगों ने देखा होगा कि जब हम किसी सॉकेट में हम उसको लगाते, इस प्रकार से हमारा कोई सॉकेट होता है, उस सॉकेट में हमेशा याद रखना राइट हैंड साइड क्या होता है, फेस होता है, और लेफ्ट हैंड साइड न्यूट्रल होता है, और सबसे ऊपर क्या होता है, अर्थ होता है, सबसे ऊपर होता है। अब जो फेस जो होता है, फेज की मात्रा जिसको हम बोलते हैं, फेज की मात्रा को चेक करना। जब हम फेज की मात्रा को चेक करते हैं तो जैसे ही हम फेज टेस्टर को टच करते हैं तो फेज टेस्टर को टच करने से क्या होता है कि हमारा फेज टेस्टर का जो लाइट है वो जल जाता है। क्या हो जाता है? जल जाता है। किसका? फेज टेस्टर का। अब जब फेज टेस्टर का लाइट जल जाता है तो उस स्थिति में आपको अगर लग रहा हो कि फेज टेस्टर देखना है तो मैं आपको फेज टेस्टर दिखा देता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा फेज टेस्टर को, ठीक है। अभी आपको मैं थोड़ी उसमें फेज टेस्टर, जैसे आगे को क्लास बढ़ूंगा तो मैं आपको फेज टेस्टर दिखा दूंगा। दूसरी चीज आपको कॉम्बिनेशन प्लायर, ये तो सभी लोग पिंचिस के नाम से जानते होंगे, वो तो है। फेज टेस्टर में हम महत्वपूर्ण क्या करेंगे, ये होता क्या है, देखने में यह पेचकस की भांति होता है। मेन पॉइंट ये है, फेज टेस्टर जो होता है वो पेचकस की भांति दिखता है। दूसरा इसमें नियॉन से भर, क्या बोल रहा है, इसमें नियॉन से भरी एक कांच की ट्यूब होती है। किससे भरी ट्यूब होती है? नियॉन से। क्वेश्चन हमारे यहीं से ज्यादा उठाता है, क्वेश्चन कैसे उठाता है कि फेज टेस्टर जो होता है उसमें कौन सी गैस भरी होती है, उसमें नियॉन गैस भरी होती है, और जो नियॉन गैस भरी होती है उसी के कारण से इसको जो ट्यूब जो होता है उसको भी नियॉन ट्यूब कहा जाता है। कौन सा ट्यूब कहा जाता है? नियॉन ट्यूब कहा जाता है। किसको? फेज टेस्टर को। तीसरी चीज इसमें महत्वपूर्ण है, उच्च वोल्टता पर 300 ये आपका फैरेड एम्पियर के बीच
मतलब वो आपसे ये कह रहा है कि उच्च वोल्टता पर 300 फेरेड एम्पियर के प्रतिरोध क्या लगा होता है, एक बीच में धारा सीमित करने के लिए दो चीजें आपकी होती हैं, एक होता है आपका करंट जिसको एम्पियर में मापते हैं और दूसरा होता है आपका वोल्टेज, करंट और वोल्टेज इसको एम्पियर मापते, लेकिन धारा है तो हम अभी सी की बात कर रहे हैं जी। आगे बताऊंगा मैं किस प्रकार से किस चीज को मापते हैं, हर चीज की एक माप सीमा होती है, अलग अलग माप सीमा होती है। अब जैसे शक्कर को मापते हैं तो केजी में मापते हैं, दूध को मापते हैं तो हम लीटर में मापते हैं, ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी को भी मापने के लिए हमारी अलग अलग चीजें बनी होती हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी में महत्वपूर्ण चीजें कौन कौन सी होती हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी में महत्वपूर्ण चीजें होती हैं रेजिस्टेंस, वोल्टेज और करंट, ये तीनों चीजें होती महत्वपूर्ण। एक सर्किट कंप्लीट करने के लिए तीनों चीजों का यूज किया जाता है, काय काय का यूज किया जाता है, एक किया जाता है आपका किसका, करंट का, वोल्टेज का, रेजिस्टेंस का। अब करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस ये तीनों चीजें ही अगर हमारे किसी सर्किट में, सर्किट मतलब आपका ये सर्किट है, ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है यहां से यहां तक, ये इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं, इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स में इसी जगह पे आपका इन्हीं के साथ में हमारा क्या क्या होता है, रेजिस्टेंस, वोल्टेज, करंट। अब कुछ लोगों का ये रहता है कि रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक रेजिस्टेंस जो होता है वो आपका होता है किसी उपकरण के अंदर, इसकी क्वालिटी में, मतलब अगर यहाँ पर आपका मान लीजिए कोई तत्व है उसमें, जैसे मतलब आपका कॉपर है, कॉपर में रेजिस्टेंस की मात्रा कैसी है, अगर रेजिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो होती है, रेजिस्टेंस की मात्रा ज्यादा है तो इलेक्ट्रिसिटी कम फ्लो होगी। रेजिस्टेंस का या प्रतिरोध, हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोध, इसका काम क्या होता है, अपने में से बहने वाली धारा का विरोध करना, क्या काम होता है, अपने में से बहने वाली धारा का विरोध करना, जो धारा बह रही है, जो करंट फ्लो हो रहा है उसका क्या करता है, ये विरोध करता, उसको जाने नहीं देता, जब उसको जाने नहीं देता तो ये कम रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो होगी, और अगर ये ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कम फ्लो होगी। अब आपकी कोई लकड़ी है तो उसमें रेजिस्टेंस क्या होता है, ज्यादा होता है, तभी तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती लकड़ी में से। अब आपका लोहा जो होता है, कॉपर होता है, चांदी होता है, एल्युमिनियम होता है, इनमें रेजिस्टेंस की मात्रा क्या होती है, कम होती है, डाउन। जब इनमें कम होती है तो करंट की मात्रा आपकी क्या होती है, आसानी से फ्लो हो जाती है। ये तो उस चीज का आगे आएगा टॉपिक, मैं बताऊंगा आपको। तो इसमें आपसे क्या कह रहा, उच्च वोल्टता पर 300 फेरेड एम्पियर के बीच धारा, धारा मतलब करंट, सिर्फ करंट की बात कर रहा हूं से, ना कि वोल्टेज की बात कर रहा, करंट को सीमित करने के लिए एक उच्च मान का रेजिस्टेंस लगा होता है। अब यहां से हमको यह समझ में आ गया है कि रेजिस्टेंस जो होता है इसका काम क्या होता है, रेजिस्टेंस जो होता है इसका काम क्या होता है, रेजिस्टेंस का, तो रेजिस्टेंस का काम जो होता है धारा को, धारा को कम करने में सहायक होता है। अब आप बोलोगे सर तो ध्यान रखना, वो भी कौन सा रेजिस्टेंस, उच्च रेजिस्टेंस, कौन सा रेजिस्टेंस, उच्च। अगर यहीं पर मैं निम्न रेजिस्टेंस लगा दूं, कौन सा रेजिस्टेंस लगा दूं, निम्न रेजिस्टेंस लगा दूं, तो ये क्या करता है, वोल्टेज को, सॉरी अगर मैं निम्न रेजिस्टेंस लगा दूं तो ये क्या करता है, निम्न प्रकार का जो रेजिस्टेंस होता है वो धारा को, धारा को बढ़ाने का काम करता है, किसका काम करता है, धारा को बढ़ाने का काम करता है। मतलब यहां से ये बात क्लियर है कि रेजिस्टेंस निम्न होगा तो धारा क्या होगी, अधिक होगी, अधिक होगी, और रेजिस्टेंस उच्च होगी तो धारा क्या होगी, कम होगी।
ये चीज तो हमको क्लियर यहाँ से हो चुकी है कि रेजिस्टेंस हमारा किस तरीके से कर रहा, लेकिन हम पढ़ किसको रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं फेज टेस्टर को। इलेक्ट्रिसिटी में आपको बता दूं, किसी एक पॉइंट को लेकर अगर आप पढ़ोगे तो कभी इलेक्ट्रिसिटी समझ में नहीं आती, कभी भी नहीं आएगी। आप अगर सोचोगे कि मैंने एक फेज टेस्टर को लिया और अभी आपको सिर्फ फेज टेस्टर के बारे में पूरी पिक्चर समझा दी मैंने, अब आपको बीच में यहाँ पर आया धारा आया रेजिस्टेंस आया वोल्टेज आया फेरेड की बात चल रही है और मैं आपको जनरली ये समझा दूं और बस खत्म कर दूं तो आपको कभी समझ में नहीं आएगा। आगे को जैसे जैसे जाओगे आपके डाउट बढ़ते जाएंगे, एक एक शब्द क्लियर होगा तभी तो आपको क्लियर होगा। अब मैंने बोला यहाँ पर जैसे पॉइंट निकला कि यह पेचकस की भांति होता है, तो पहले तो भैया हमको पेचकस पता होना चाहिए ना। अगर वो कह रहा कि हेलीकॉप्टर की भांति होता तो अगर हमको हेलीकॉप्टर पता तभी तो हम बोलेंगे कि हाँ ऐसा होता, अगर नहीं है पता तो हम कैसे बताएंगे कौन सी चीज क्या है। तो उसको समझने के लिए आपका उस चीज के बारे में हमको जानकारी होना बहुत जरूरी है। अभी जिसकी बात कर रहे थे हम, किसकी बात कर रहे थे, टेस्टर की बात कर रहे थे, वो टेस्टर आपका ये होता है, ये आपका टेस्टर है। इस टेस्टर में आपके क्या क्या लगा होता है उन चीजों को देखना, ये अर्थिंग पॉइंट होता है इसका। क्या होता है? अर्थिंग पॉइंट होता। इसी के जस्ट नीचे आपकी क्या लगी होती, स्प्रिंग लगी होती है। क्या लगी होती है? स्प्रिंग लगी होती है। ये आपका क्लिप होता है। क्या होता है? क्लिप होता। इसी में आपका नियॉन लैंप लगा होता है। यहां पर जो लैंप लगा है वो आपका कौन सा लैंप होता है? नियॉन लैंप होता है। और जो नियॉन लैंप होता है इसी लैंप में आपकी जो गैस भरी होती है वो नियॉन गैस भरी होती है। अब आप सोचोगे लैंप जो है वो गैस के नाम पे पड़ा या गैस लैंप के नाम पे पड़ा? नियॉन गैस भरी होने के कारण इसका नियॉन लैंप नाम पड़ा है, नहीं तो इसका नियॉन लैंप नहीं होता। परंतु इसमें जो गैस भरी है वो नियॉन गैस भरी है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा ये यहां पर जो होता है वो रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है? रेजिस्टेंस, जिसकी हम बात कर रहे थे, रेजिस्टेंस जिसकी हम बात कर रहे थे, इसका काम क्या होता है अभी आपको बताया था, धारा को कंट्रोल करने के लिए। वही रेजिस्टेंस हमारा धारा को क्या करता है? कंट्रोल करता है। कौन? रेजिस्टेंस। अब ये यहां पर इंसुलेटेड स्ट्रीम लगी होती है। इंसुलेटेड क्यों लगी होती है? इंसुलेटेड का मतलब आप समझ रहे हो अचालक। इंसुलेटेड का मतलब क्या होता है? अचालक। अचालक क्या होता है आपका? अचालक। इंग्लिश में बोलते हैं इसको इंसुलेटेड। अचालक जो होता है वह यह होता है जिसमें धारा फ्लो नहीं होती। अब आप बोलोगे ये धारा क्या लगता है? धारा वही है जिसमें करंट फ्लो ना हो। अगर कोई रबर लगी है इसमें आप जब टच धोखे से उंगली वगैरह टच हो जाती तो आपको करंट नहीं लगता है। अभी जो सावधानी में पढ़ रहे थे जो मतलब कौन कौन सी चीज़ों का यूज करना चाहिए, तो हम उसमें ग्लव्स पढ़े थे, हैंड ग्लव्स हाथों में होना चाहिए। उसमें हम किसको पढ़ रहे थे? इसी को पढ़ रहे थे, इंसुलेटेड को। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है। ये तो आपका फेज टेस्टर था। फेज टेस्टर से मैंने उठने वाले आपको क्वेश्चन बता दिए हैं, क्या क्या क्वेश्चन उठते हैं। दूसरी चीज ध्यान रखना, सबसे ज्यादा अगर इलेक्ट्रिसिटी में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो क्वेश्चन पूछा जाता है फेज टेस्टर का उपयोग कितने वोल्ट तक किया जाता है। पहला क्वेश्चन, फेज टेस्टर का उपयोग कितने वोल्ट तक किया जाता है। ध्यान रखना फेज टेस्टर का उपयोग 500 वोल्ट तक किया जाता है। कितने तक किया जाता है? 500 वोल्ट। मतलब थ्री फेज सप्लाई है आपकी। ये थ्री फेज सप्लाई में, ये जो थ्री फेज सप्लाई है, इस थ्री फेज सप्लाई में कितने वोल्ट तक किया जाता है? 500 वोल्ट तक। थ्री फेज सप्लाई 1 2 3 आर वाई बी, रेड एलो ब्लू। ठीक है, अब ये जो थ्री फेज सप्लाई में 500 वोल्ट तक जो इसका यूज किया जाता है, अब थ्री फेज में तो हमारा कितना होता है? 440 वोल्ट सप्लाई होती है हमारी। तो थ्री फेज जो होता है उसमें 440 वोल्ट सप्लाई होती, और यहां पर जो हम पढ़ रहे हैं वो कितनी पढ़ रहे हैं?
500 वोल्ट पढ़ रहे हैं, मतलब 500 वोल्ट तक अगर हम टच करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारी बता देगा फेजर, फेज बता देगा, ये भी बताएगा, गणना नहीं करता ये, ये सिर्फ फेज बताता है कि आपका फेज है कि नहीं है, सप्लाई आपकी है कि नहीं है, उसमें चीज में करंट है कि नहीं है, बाकी ये काम नहीं करता कि आपकी धारा माप के दिखा दे कि इतनी है धारा, करंट जो जिसको हम धारा कहते हैं ये नहीं दिखाता। करंट को मापने के लिए एम्पियर मीटर की जरूरत पड़ेगी आपको, वोल्टेज को मापने के लिए वोल्ट मीटर की जरूरत पड़ेगी, वाट को मापने के लिए आपको वाट मीटर की जरूरत पड़ेगी, फ्रिक्वेंसी को मापने के लिए आपको फ्रिक्वेंसी मीटर की जरूरत पड़ेगी, रेजिस्टेंस को मापने के लिए आपको ओम मीटर की जरूरत पड़ेगी। ये सारी चीजें जो है वो आपकी हर चीज को अलग अलग माप करता है। अब वो किसमें मापता कैसे मापता वो हमारे आगे के सवाल है, मगर अभी जब हम ये जो पढ़ रहे हैं वो मैं एक आपसे छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताना आपको, 440 वोल्ट थ्री फेज की सप्लाई होती है और सिंगल फेज, ये हमारा प्लस और ये न्यूट्रल, सिंगल फेज में जो होती है वो 220 वोल्ट से 250 का लिया जाता है बेसिकली, ये सप्लाई होती है। एक फेज ये तो हमारा न्यूट्रल है, इस पे तो कोई दिक्कत नहीं है, एक फेज पे जो सप्लाई होती है वो कितनी होती है 240 वोल्ट। तो जब हमारी एक फेज पे 240, अभी यहां थ्री फेज में भी हम क्या करेंगे, एक हमने फेज ले लिया और एक क्या ले लिया, न्यूट्रल ले लिया। अब जब एक फेज ले लिया एक न्यूट्रल ले लिया तो ये जो सप्लाई हो गई वो कितनी हो जाएगी हमारी 220 वोल्ट, अभी जनरली हम माने 220 से 250 वोल्ट, और ये हमारा क्या है न्यूट्रल है। अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि एक फेज पे हमारी सप्लाई कितनी हो रही 220 वोल्ट, तो थ्री फेज पे, थ्री फेज पे कितनी सप्लाई होगी हमारी, अब ऐसा मत कर देना 220 वोल्ट तीन, ऐसा मत कर देना गलत हो जाएगा, पर तो वो 660 हो जाएगा, क्या 660 थोड़ी होती 440 होती है। तो आप मुझे ये बताइए एक फेज पे हमारी 220 सप्लाई होती तो थ्री फेज पे 440 कैसे होती, और अगर थ्री फेज पे 440 होती तो एक फेज पे अगर कितनी होती है, नहीं आएगी समझ में। थ्री फेज सप्लाई है, इसमें थ्री फेज सप्लाई में जो वोल्टेज होता वो 440 वोल्ट होता, तो एक फेज पर कितना वोल्टेज होगा ये आपको आंसर देना, कमेंट में लिख के देना मुझे। और अगर आप में से कोई बोले कि 220 होता है या 230 होता है तो फिर मुझे बाकी के दोनों फेज का क्लियर करना। और एक चीज और ध्यान रखना, इस सप्लाई को मापने के लिए मैं किसका यूज करूंगा, थ्री फेज सप्लाई को मापने के लिए, ये भी आपको बताना, क्लियर, आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर देना आपको, बाकी मैं बताऊंगा। तो ये अब मुझे ये बताइए, ये तो आपका जनरली है थ्री फेज सप्लाई में, मतलब हम किसी सॉकेट में बड़ा वोल्ट आया हमारा थ्री फेज सप्लाई का, उसको मापना तो 500 वोल्ट तक हम इससे माप लेते हैं, किससे, टेस्टर से, लेकिन मापते हैं गणना नहीं करते। लेकिन यही अगर हमारा ज्यादा है, मतलब 11 kV होगा, 11 kV समझते हो आपको 11,000 वोल्ट, अभी हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा अगर जनरेट होता है पावर प्लांट में जो इलेक्ट्रिसिटी बनकर तैयार होती है जिसको हम जनरेट कहते हैं, वो 11 kV पर ही होती, भले वो पावर प्लांट की क्षमता 440 kV हो या 400 kV हो, या आपकी मान लो मतलब उदाहरण के तौर पर 66 kV हो, लेकिन हमारी जो पावर प्लांट जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है वो हमेशा ध्यान रखना 11 kV करता, आप कहीं कहीं पर 33 kV भी जनरेट कराने लगे हैं, लेकिन राइट आंसर हमारा 11 kV ही है, अभी भी इंडिया में 11 kV ही जनरेट होती है। उसको आगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाते हैं, उसको बढ़ाते हैं, फिर आगे स्टेप अप लगाते हैं, फिर बढ़ाते, जो इसकी आखिरी क्षमता है उससे थोड़ा बहुत कम पे ले जाते हैं, उसको वहाँ पर छोड़ देते हैं, फिर आगे डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ट्रांसम्यूट करते करते फिर लास्ट में डिस्ट्रीब्यूशन पे आती, जो हमारे घरों पे आती है वो सप्लाई हमारी 440 वोल्ट आती है।
ऐसा नहीं है कि 11 kV जनरेट किया तो हमारे घर पे भी 11 kV का यूज होता है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। ये सारी चीजें धीरे धीरे आपको समझ में आएंगी, अभी एकदम से नहीं आएंगी। दूसरा है, बस हमको ये याद रखना है कि टेस्टर के बारे में इतनी चीजें हमको पता होना चाहिए जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी चीज है हमारा कॉम्बिनेशन प्लायर। क्या है? कॉम्बिनेशन प्लायर। टेस्टर का आपको समझ में आ गया, इसमें जो प्रयुक्त रेजिस्टेंस की परास होती है वो 1 MΩ, कितनी होती है? 1 MΩ। अब 1 MΩ का तात्पर्य क्या है? किसी चीज को मापने के लिए, ओम को मैंने आपको बताया था, ये किसको मापता है? रेजिस्टेंस को। किसको मापता है? रेजिस्टेंस को। कोई भी रेजिस्टेंस को मापने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है? ओम मीटर की। ओम मीटर के द्वारा ही हम रेजिस्टेंस की गणना कर पाते हैं कि ये क्या है। इसके बाद दूसरा हमारा है कॉम्बिनेशन प्लायर। क्या है? कॉम्बिनेशन प्लायर। ये जो औजार पढ़ रहे हैं इसमें यह विशेष महत्वपूर्ण रखता है, कॉम्बिनेशन प्लायर। सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि इसको और किस किस के नाम से जानते हैं या होता कैसा है। कॉम्बिनेशन प्लायर देखिए आप, ये होता है, काफी लोग घर में पिंचिस बोलते होंगे, प्लायर बोलते होंगे, लेकिन इसका सही नाम होता है कॉम्बिनेशन प्लायर। क्या होता है? कॉम्बिनेशन प्लायर। इसका यूज जो किया जाता है वो तारों को मोड़ने, काटने, पकड़ने आदि कार्यों के लिए किया जाता है। कई बार पेपर में पूछ लेता है काटने के लिए, तो लोग कॉम्बिनेशन प्लायर पे ही टिक लगा देते हैं, लेकिन वो समझते नहीं है कि कॉम्बिनेशन प्लायर से काटा नहीं जाता, ये नॉर्मल उसके लिए बोला होगा। ये देखो, ये छोटे जॉब में यूज किया जाता, मतलब छोटे जो वायर होते हैं, हल्के फुल्के वायर को काटना या छोटे मोटे वायर को मोड़ना। बाकी ऐसा नहीं है कि कॉम्बिनेशन प्लायर का यूज वायर को काटना, उसके लिए आपका कटर होता है जिसको हम साइड कटर कहते हैं। क्या कहते हैं? साइड कटर। अलग अलग प्रकार के कटर होते हैं, अभी जिसको काटते हैं उसकी बता रहा हूं। ये नॉर्मल जो जॉब होते हैं उनको पकड़ने मोड़ने के लिए किया जाता है इसका उपयोग। इसका कॉम्बिनेशन प्लायर का उपयोग किया जाता है। दूसरी चीज, कॉम्बिनेशन प्लायर जो होता है इसकी स्थिति में या इसको जो किया जाता है, जैसे मतलब जो जॉब वगैरह होते हैं उसके लिए किया जाता है। दूसरी चीज, ये जो कॉम्बिनेशन प्लायर होता है इसमें आप देखना, यह इंसुलेटेड लगा होता है। इसमें क्या लगा होता है? इंसुलेटेड, मतलब इंसुलेशन जो होता उसका यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि अगर मैं इंसुलेशन नहीं लगाऊंगा तो किसी भी चीज को, ये मेरा क्या है? कंडक्टर है। ये क्या है? कंडक्टर। जैसे ही इस कंडक्टर को मैं किसी इलेक्ट्रिसिटी में पकड़ूंगा तो इस पर पूरे में क्या होगा? करंट दौड़ने लगेगा। और अगर इसके ऊपर इंसुलेशन नहीं चढ़ा होगा तो करंट मेरे हाथों पर लग जाएगा। क्यों? क्योंकि एक मनुष्य भी जो होता है वो है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है या चालक होता है। अगर आप पकड़ते हो तो आपको इलेक्ट्रिसिटी लग जाता है। और कोई भी जानवर भी होगा वो भी इलेक्ट्रिसिटी का चालक होता, पक्षी होगा वो भी इलेक्ट्रिसिटी का चालक होगा। अब आप ये मत कहना कि पक्षी जो होता है उसके तो सब करंट लगता ही नहीं है, तो कभी ध्यान मत देना ऐसी चीज पे। पक्षी जो होता है वो 3-phase supply में, कौन सी 3-phase supply में, हमेशा एक फेज पर बैठता, चाहे इस फेज पर बैठे या इस फेज पर बैठे। जब भी अगर या तो फेस टू फेस या फेस के साथ न्यूट्रल पर टच हो जाएगा तो निपट जाएगा, इसलिए उसके करंट नहीं लगता। आप भी जब कभी इलेक्ट्रिसिटी में कोई काम करेंगे और मल्ली आप अगर एक फेस को पकड़ लेते हैं और जमीन से आपका, क्यों? क्योंकि जमीन जो होती है इसमें अर्थ होता है, अर्थ है। जब अर्थ आपका नीचे का मिल रहा और फेस आपका जो पकड़े हो वो मिल गया तो आपके तो करंट लगना स्वाभाविक बात है। और पक्षी जो होता है वो ऐसा तो है नहीं कि इस पर बैठा और उसकी लंबाई इतनी नीचे तक है कि वो जमीन से टच हो रहा। इतना बड़ा पक्षी तो होता ही नहीं, डायनासोर तो है नहीं, तो वो छोटे होते हैं, तो इसलिए वो नीचे जमीन से टच नहीं होते, अधफर रहते, कोई भी एक फेस पर बैठे रहते, करंट नहीं लगता। बाकी सभी को करंट लगता जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, पक्षी, जानवर, मनुष्य, ये सभी इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर है। तीसरा आता है हमारा क्या? हथौड़ा, हैमर। ये जो हैमर होता है
यहां से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्वेश्चन में बता दूं, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन उठता है वो प्लायर की लंबाई से उठता है। जगह पे नहीं दिया होता है, प्लायर की लंबाई से उठता है और आपसे पूछा जाता है कि कॉम्बिनेशन प्लायर जो होती है इसकी लंबाई कितनी होती है। कॉम्बिनेशन प्लायर की लंबाई होती है 150 मिलीमीटर से 200 मिलीमीटर तक। आप में से कमेंट में मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके बताना, प्लायर की लंबाई सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना। मैंने बोला 150 मिलीमीटर 150 मिलीमीटर से 200 मिलीमीटर तक होती है, मगर मुझे ये लंबाई जो है आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके लिखना कि सर इतनी होती है सेंटीमीटर में। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा हथौड़े का, मैंने बताया था ये हथौड़ा जो होता है हथौड़े का साइज धातु के वजन में व्यक्त किया जाता है। ये पॉइंट किसी बहुत कम लोगों को समझ में आया होगा, हथौड़ा जो होता है इसका साइज धातु के वजन में व्यक्त किया जाता है। अब धातु के वजन में व्यक्त कैसे करते, कोई बताया नहीं बता रहा है, मैं बता। एक आपका हथौड़ा है, ये हथौड़े में देखना आप यहां पर जो डंडा लगा होता है वो काय का होता है, लकड़ी का। और ये जो होता है ये किसका भाव है, धातु का। कितना भाव है ये किसका, धातु का। तो वो यही चीज कह रहा है धातु के वजन में व्यक्त किया जाता है, मतलब ये जो धातु है इसके वजन में हथौड़े का साइज व्यक्त किया जाता है, ना कि इस लकड़ी के साथ में किया जाता। लकड़ी के साथ में कभी नहीं किया जाता, तो किया जाता किसके साथ में, धातु, सिर्फ जो धातु लगी होती है उसके साथ में ही व्यक्त करता है। और ज्यादातर विशेष रूप से इलेक्ट्रिसिटी में जिस हथौड़े का यूज किया जाता है वो 150 ग्राम से 250 ग्राम का होता है। 150 ग्राम से 250 ग्राम तक इसका वेट होता है, एवं हथौड़े जो बनाए जाते हैं वो विशेष स्टील से बनाए जाते हैं। आप लोग नोट कर लिया करो, ये पॉइंट पूछते हैं पेपर में, यही चीजें पूछी जाती है कि एक हथौड़ा या कोई भी हथौड़ा जो होता है वो कौन सी धातु का बना होता है, तो आपको दोनों ही ऑप्शन दे देगा, स्टील भी दे देगा विशेष स्टील भी दे देगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए टिक किस पर लगाना है, विकल्पीय क्वेश्चन कहीं अलग से नहीं उठाता है, जो है आपका इसी में से उठाता है। इसके बाद आपका आता है विद्युत में 250 ग्राम का हथौड़ा लिया जाता है। हथौड़ा जो होते हैं या हथौड़े का जो प्रकार होते हैं निम्नतः तीन प्रकार का महत्वपूर्ण तरीके से होता है। एक होता है बॉल पिन हैमर, दूसरा होता है क्रॉस पिन हैमर और तीसरा होता है स्टेड हैमर। ये तीन हैमर मेन होते हैं, इसके बाद रिवेटिंग, स्टेज, सॉफ्ट आदि बहुत सारे प्रकार के जो तीन चार होते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण जो आपका होता है वो तीन प्रकार के होते हैं। वो मैं आपको प्रैक्टिकल क्लास में बता दूंगा कौन कौन से हथौड़े होते हैं, दिखा दूंगा। जिसमें ऊपर वॉल्व बनी होती है वो बॉल पिन हैमर होता है, और जिसमें ऊपर क्रॉस बना होता है, क्रॉस का मतलब ये होता है कि आपने देखा होगा इस तरीके से एक क्रॉस बना होता है जिससे हम कीली निकालते हैं, और यहाँ पर एक हथौड़े का इस तरीके साइज बना होता है। तो जो कील जब खींचते हैं तो जो कील निकालते हैं वो वाला हमारा कौन सा हैमर कहलाता, क्रॉस पिन हैमर कहलाता। जिसमें बॉल टाइप की बनी होती वो बॉल पिन हैमर कहलाता है, और जिसमें स्टेड, किसी किसी हैमर में देखना आप इस तरीके से
स्टेट टाइप का हैमर बना होता है, उस हैमर का जो यूज किया जाता है वो किया जाता है आपके काय के लिए, किसी भी चीज को हल्का फुल्का मतलब चोट पहुंचाने के लिए या खुरचने के लिए, मतलब कोई चीज ऐसे खुरच के निकालने के लिए, वो आपका स्ट्रेट पिन हैमर का किया जाता है। तीनों अलग अलग हैं। जब कभी भी साइज पूछा जाए कि इलेक्ट्रिसिटी में जो हैमर का यूज किया जाता है वो कितने ग्राम का या कितने वजन का होता है, तो राइट आंसर पे टिक लगाना, 150 ग्राम से 250 ग्राम तक का हैमर का उपयोग इलेक्ट्रिसिटी में किया जाता है। क्लियर। इसके बाद आपका आता है हथौड़े के यूज पे, इसका यूज जो है वो किस तरीके से किया जाता है या कहां किया जाता है, कील ठोकने के लिए किया जाता है, गिट्टी। अब आप यहां बोलोगे गिट्टी क्या होती है, गिट्टी जो होती है वो कभी देखे होगे इस दीवार पे अगर मुझे कोई कील ठोकना है तो मैं नॉर्मली उसको हथौड़ी से पकड़ूंगा ठोक दूंगा, लेकिन अगर मैं इनको स्क्रू लगाना है उसमें तो पहले मैं क्या करूंगा, ड्रिल मशीन से उसमें क्या करूंगा, छेद करूंगा। छेद करने के बाद एक प्लास्टिक की इतनी बड़ी गिट्टी, व्हाइट कलर की या किसी भी कलर की, पहले ज्यादा व्हाइट चलती थी तो व्हाइट कलर की वो गिट्टी को डालूंगा उसमें, फिर जब वो फंस जाएगी तो उसमें क्या करूंगा, स्क्रू टाइट करूंगा, उस गिट्टी की बात कर रहा हूं, ठीक है। इसके बाद रोबल प्लग, रोबल प्लग मतलब एक आपका साथ में एक रोबल प्लग होता है जिसके साथ में हम यूज करते हैं इसका ठोकने, चीजल, चीजल मतलब जो होता है जिससे हम किसी दीवार वगैरह में जब वायरिंग करते हैं तो दीवार वगैरह में छेद करने, मतलब आपकी जो दीवार होती है उसमें गड्ढा करके आगे को नाली बनाने के लिए चीजल का यूज करते हैं, ऐसे करके वो चीजल होती है उस पर मारते जाते हैं और आपका गड्ढा खींचते जाते हैं जिससे कि हम उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका क्या होता है, चीजल। अब इसके बाद दूसरी, यहाँ तक आपका हथौड़े का हो गया, नेक्स्ट में आगे आपको और भी पढ़ाऊंगा। ये आपके लगभग 10 से 12 ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जिनका उपयोग इलेक्ट्रिसिटी में किया जाता है। क्या होता है कि कंटिन्यू अगर आपको एक ही बार की पढ़ा दो तो स्थिति ये बनती है कि वीडियो अपलोड नहीं हो पाते, इसलिए क्षमा चाहूंगा मैं इस चीज़ के लिए। जितने भी स्टूडेंट हों या बाहर के भी जो नॉन स्टूडेंट हों या कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का नॉलेज से संबंधित देखता हो तो आपको उसमें कठिनाई होती होगी कि इतना लंबा वीडियो हो जाता है, परंतु स्थिति यह होती कि उसमें हम दो तीन चीज़ों में ही हम सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, उसकी वजह से ये लंबा होता। कल की क्लास हमारी फिर रहेगी, आज सेकेंड डे आपका विद्युत के सामान्य औजारों का अध्ययन था, उसका हमारा फर्स्ट डे था, वो हमारा 3-4 टॉपिक हमारे क्लियर हो गए। कल के लिए तक ओके, थैंक यू क्लास।